नमस्कार, मैं सिमुन और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। पंजाब में भाजपा अकेले लड़ सकती है लोकसभा चुनाव, पार्टी ने शुरू की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी ने अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए पंजाब में अकेले लड़ने का मन बना लिया है। इसी के साथ भाजपा ने पंजाब में उम्मीदवारों की तलाश करनी शुरू कर दी है। भाजपा के पंजाब प्रदेश प्रमुख सुनील जाखड़ ने पार्टी नेताओं से अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों से मजबूत उम्मीदवारों के नाम मांगे हैं। इससे पहले पंजाब में भाजपा शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन में रहते हुए केवल 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ती रही है। हालांकि भाजपा के कुछ नेताओं का मानना है कि चुनाव के नजदीक आने तक भाजपा और शिरोमणि अकाली दल फिर साथ आ सकते हैं, लेकिन इस गठबंधन को लेकर अधिकांश नेता आशंकित हैं। वहीं कई नेताओं की नजर छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम पर है। अगर इन तीनों राज्यों में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा तो संभव है कि भाजपा पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ समझौता ना करे। ऐसे में भाजपा अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। यूपी में लोकसभा से पहले होगी राज्यसभा की जंग, सपा को मिल सकता है फायदा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और भाजपा में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। यूपी से अगले साल 2 अप्रैल को 10 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं, जिसके लिए अभी से सियासी समीकरण बिठाने की तैयारी शुरू हो गई है। वर्तमान में इनमें से 9 राज्यसभा सीटें बीजेपी के पास है, जबकि समाजवादी पार्टी के पास केवल 1 सीट है और इससे जय बच्चन सांसद हैं। अब यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के बाद सियासी समीकरण बदल गई हैं। ऐसे में भाजपा के लिए अपनी 9 सीटों को बचाना मुश्किल होगा, जबकि सपा के पास राज्यसभा में संख्या बढ़ने का अवसर होगा। सपा गठबंधन के पास 118 विधायक हैं और ऐसे में सपा 3 राज्यसभा सीटें जीतने की स्थिति में होगी, जबकि एनडीए गठबंधन के पास 279 विधायक हैं, जो 7 सीटों पर जीत दिला सकते हैं। दिनों दिन बढ़ रहा ओपी राजभर का इंतजार, कहा पहले से तय है कुछ चीजें। योगी आदित्यनाथ सरकार में शामिल होने की अटकलों के बीच सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मंत्री पद उनके लिए बहुत महत्व नहीं रखता है। इससे पहले ओपी राजभर ने बीते 10 सितंबर को विश्वास जताया था कि दारा सिंह चौहान के साथ उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। राजभर ने इसके बाद 12 नवंबर को भी यही बात दोहराई थी। सुभासपा चीफ ओपी राजभर ने कहा कि मेरी प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात हुई है। कुछ चीजें हैं जो पहले से ही तय हैं। अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में वह एनडीए के साथ रहेंगे। सुभासपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में 6 सीटें जीती थीं और राष्ट्रपति पद में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान का सबसे बड़ी जीत का दावा, लाडली योजना को बताया जा रहा है गेम चेंजर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद अब परिणाम का इंतजार है। चुनाव विश्लेषक जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर मान रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से बंपर वोटिंग हुई है, उसका मतलब है कि जनता ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए मतदान किया है। सीएम शिवराज सिंह यह भी कहते हैं कि इस बार महिलाओं ने जमकर वोटिंग की है और भाजपा को लाडली बहनों का भरपूर समर्थन मिला है। राज्य में 29 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहाँ महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से अधिक है और 34 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान किया है। लाडली बहना योजना को विशेषज्ञ भी मध्य प्रदेश की गेम चेंजर योजना मानते हैं। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,250 दिए जाते हैं। हालांकि जब 2003 में बीजेपी सत्ता में आई थी, तब पार्टी ने सबसे ज्यादा 173 सीटों पर जीत हासिल की थी। महिंद्रा बोलेरो ने रचा इतिहास,
पहली बार अमरनाथ गुफा तक पहुंची कोई गाड़ी। भारतीय सेना के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में एक नया इतिहास रच दिया था, जब पवित्र अमरनाथ गुफा तक कोई वाहन पहुंचा था। इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान वाहनों के पहले सेट में सबसे आगे महिंद्रा की लोकप्रिय एक्सयूवी बुलेरो थी। हाई एल्टीट्यूड पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाली बुलेरो अपनी टफ राइडिंग के लिए जानी जाती है। इस ऐतिहासिक यात्रा का वीडियो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह वाहनों का पहला जत्था अमरनाथ गुफा तक पहुंचने में कामयाब रहा है। बीआरओ अपने बीकन प्रोजेक्ट के तहत कश्मीर की लीदर घाटी के बर्फ से ढके हिमालय में स्थित अमरनाथ गुफा तक सड़क के चौड़ीकरण का काम कर रहा है। बॉलीवुड के फिर किंग साबित हुए शाहरुख खान, फिल्म डंकी ने रिलीज से पहले ही कमाए 100 करोड़। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म डंकी 21 दिसंबर को रिलीज हो रही है। इस फिल्म का बजट केवल 85 करोड़ रुपए है, जबकि रिलीज से पहले ही फिल्म ने 100 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। ये कमाई फिल्म डंकी के नॉन थिएट्रिकल राइट से हुई है। पिंक विला की रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म डंकी को महज 85 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है और एक्टर शाहरुख खान व डायरेक्टर राजकुमार हिरानी अपनी फीस के तौर पर फिल्म की कमाई में हिस्सा लेंगे। फिल्म डंकी की शूटिंग 75 दिनों में पूरी हो गई थी, जिसमें से 60 दिनों तक शाहरुख खान के सीन्स की शूटिंग हुई थी। फिल्म डंकी का बजट शाहरुख खान की पिछले 5 साल की फिल्मों की तुलना में सबसे कम है। इनमें से कुछ फिल्में हिट रहीं और जबकि कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थीं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।